हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आप ले गाइज अगेन लेट नाइट रीडिंग लेके आई हूँ। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी अभी की, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में, क्या है उनके दिल में व्यूवर्स। तो आज हम ये देखने वाले हैं, जनरल रीडिंग होने वाली है सभी के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उसे क्लेम करना ना भूलिएगा। रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्यूवर्स ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए व्यूवर्स आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की अभी की क्या एनर्जी है और उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है आपको लेके। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। इनके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, क्या है उनके दिल में, प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज हेल्प करिए। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड अस, प्लीज हेल्प अस। इनके पर्सन जो मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग में कनेक्ट हो रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी से मुझे कनेक्ट करवाइए और बताइए उनके पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आज मेरे पास है एट ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ कप्स। ओके व्यूअर्स, ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो व्यूअर्स आज की रीडिंग गाइज ये बता रही है आपके पर्सन की, ये कंडीशन बता रही है कि आपके पर्सन गाइज कंप्लीटली एक ऐसी एनर्जी में इस समय मुझे नजर आ रहे हैं जो कंप्लीट लोनलीनेस को, डिप्रेशन को, टेंशन को, फ्रस्ट्रेशन को और एंडिंग को दिखाती है आपके पर्सन की लाइफ में। तो व्यूअर्स आपके पर्सन कि लाइफ में ये टाइम फ्रेम चल रहा है कि वो अपनी लाइफ में कंप्लीट अकेले हैं, ना तो वो किसी से बात करते हैं, ना ही वो खुश फील कर पा रहे हैं अंदर से, ना ही वो लाइफ को जी पा रहे हैं, ना ही वो किसी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, अकेले अकेले हैं। मतलब क्या है लाइफ, क्या है व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में, इनके लाइफ में जो भी पर्सन है ना वो मतलब अपने से ही मतलब रखते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब सबको अपने अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि जो इनके बारे में सोच सके या इनकी इनके अंदर क्या चल रहा है, वो तूफान क्या मचा हुआ वो जान सके, वो समझ सके, इनको उन चीज़ों से निकालने में इनकी मदद कर सके। तो आपके पर्सन गाइस इस समय एक अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन और तूफान को महसूस कर रहे हैं, उनको टेंशन, उनका डिप्रेशन इस समय मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। आपके पर्सन गाइस ऐसा भी फील कर रहे हैं कि मैंने जिनके लिए बहुत कुछ करा, मैंने बहुत कुछ कर दिया इन लोगों के लिए और स्टिल इन लोगों को, यानी आपके पर्सन की लाइफ में गाइज जो भी लोग हैं, ठीक है वो कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन गाइज यही दिखा रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ या अब तक की लाइफ मैंने इन लोगों के लिए स्पेंड कर दी, इन लोगों के लिए मैंने सब कुछ कर दिया और ये जो पर्सन है या ये जो लोग हैं मेरी लाइफ के अंदर, ये मतलब मेरे ऊपर ना तो फोकस करते हैं, ना ही मेरे सुख दुख में मेरे साथी बनते हैं, ना ही इनका फोकस पॉइंट मैं हूँ। तो मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके पर्सन को सिर्फ अकेलापन ही मिल रहा है ना, सैडनेस मिल रही है, डिप्रेशन मिल रहा है और लोग इनकी तरफ अगर आते भी इनसे बात करने आते तो कहीं ना कहीं अपने ही प्रॉब्लम को लेके आते हैं या अपने ही किसी मतलब अपनी ही किसी उस पर आते हैं, नीड की वजह से आते हैं कि उनको आपके पर्सन का इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं कि कोई भी मेरे लिए नहीं सोच रहा है, कोई भी मेरी अंदर क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, इन चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं और किसी को मेरी परवाह नहीं है। तो व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जी आज की ये बताती है कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन को। आपके पर्सन गाइस जैसे कि वेट कर रहे हैं यहाँ पे ताकि वो आपसे कनेक्ट हो सके, क्योंकि आपके पर्सन गाइस आपको ही अपना किंग और क्वीन मानते हैं। अब व्यूअर्स ऐसी एनर्जी यहाँ पे इसलिए नजर आ रही है क्योंकि व्यूअर्स आपके पर्सन ना यहाँ पर अपने इस रिलेशनशिप के अंदर, जो आपके साथ में रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को एक नई बिगनिंग देना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं।
एक नई तरह से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं आपके पर्सन. ओके गाइस, आपके पर्सन गाइस आपको एक ऐसा पर्सन मान रहे हैं इस समय जो उनके लिए कंपैटिबल है, जो उनका पावर ऑफ सोर्स है, यानी जो उनके लिए कुछ भी कर सकता है. और आपके पर्सन गाइस ऐसे ही पर्सन की तलाश कर रहे हैं. यहाँ पे आपके पर्सन की गाइस एनर्जी ये बताती है आपके पर्सन को सपोर्ट चाहिए. सबसे पहले तो उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आप हो, जो उनको समझ सके, जो उनके साथ में खड़ा हो सके, जो उनके सुख दुख में उनका साथी बन सके, जो हर कदम पे उनका साथ निभा सके, जो उनके कहीं ना कहीं उनकी दो बातें अगर मतलब वो बोल भी दें किसी को तो वो बर्दाश्त कर ले, और वो भी किसी कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में ही खड़े रहें. व्यूअर्स है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके पर्सन का इस तरह की कंपैटिबिलिटी फील कर रहे हैं ताकि एक ऐसा पर्सन हो, अगर वो कभी मतलब इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है तो उनको निकालने के लिए कोई ना कोई तो होना अपनी लाइफ में. तो ऐसे पर्सन की गाइज आपके पर्सन को जरूरत महसूस नजर आ रही है. आपके पर्सन गाइज इस समय आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस निकल निकल के बाहर आ रहे हैं आपके लिए. वो आपसे जैसे कि बातें कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि हम लोग होता है ना, हम जब अकेले होते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, आप भी होते होगे, और आप कहीं ना कहीं उनकी फोटोज़ देख के या उनकी पिक्चर्स देख के आप क्या करते हो, उनसे बात करने की कोशिश करते हो. वही एनर्जी गाइज मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि आपकी फोटोज, आपकी पिक्चर या आपका कुछ दिया हुआ उनके पास कुछ ऐसा है जिसको देख के आपके पर्सन गाइज आपसे कनेक्ट करने की, बात करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं गाइज आपके पर्सन ने मुझे इस समय आपके लिए जैसे कुछ कर लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और खुद से कुछ एक्शन लेना चाहते हैं. व्यूअर्स वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे कि इस रिलेशनशिप को यहाँ पे पॉज नहीं करना चाहते हैं. बहुत हो चुका, अलग रहते रहते बहुत हो चुका एक दूसरे के साथ में, ये तन्हाइयाँ झेलते झेलते. और कहीं ना कहीं गाइज जो भी गलती आपके पर्सन की है, ठीक है, जो भी गलती गाइज रही हो, लेकिन गाइज यहाँ पर आपके पर्सन ना मतलब ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नया इनिशिएट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ. तो उनके दिमाग में गाइज इस समय बहुत कुछ चल रहा है. अब गाइज आपके पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे गाइज वो भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी रूठे हुए हो, है ना व्यूअर्स. और आपके पर्सन गाइज यही दिखा रहे हैं, हो सकता है व्यूअर्स ये कंडीशन कहीं ना कहीं आपके साथ भी चल रही हो, कि आपके पर्सन गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं. वेटिंग टाइम व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि वेट को कहीं ना कहीं गाइज वो रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, कि जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट हो सके. तो गाइज यहाँ पे कनेक्टिंग की एनर्जी आज मुझे आपके पर्सन की तरफ से नजर आ रही है. बस गाइज यहाँ पे उनको सिर्फ वो तरीका मिलना है या फिर गाइज वो हिम्मत आपके पर्सन को जुटानी है ताकि वो आपसे कनेक्ट हो सके. आपके पर्सन गाइज आपसे कहीं ना कहीं दूर भी मुझे नजर आ रहे हैं, और दूर हो सकता है व्यूअर्स, दूर और बहुत दूर, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में. और इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों अभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं या मिलने में दिक्कतें आ रही हैं आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में. और आपके पर्सन का इन चीज़ों को निकालना चाहते हैं, अपने आप दोनों के बीच में से इन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं. ओके तो गाइज यहाँ पर आपके पर्सन की आज की एनर्जी ये बताती है आपके पर्सन गाइज आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. मिसिंग एनर्जी व्यूअर्स है, आपकी नीड है आपके पर्सन को एक ऐसे वे में ताकि उनके लिए सपोर्ट में कोई खड़ा हो सके. ओके, सपोर्ट चाहते हैं आपके पर्सन गाइज अपनी लाइफ में, जैसे कि मतलब हर एक के लिए बहुत कुछ कर लिया पर उनको उसके बदले कुछ नहीं मिला, सब नेगेटिविटी रिसीव हुई है, मतलब कोई साथ ही नहीं है. ट्रू फाइंडिंग अगर देखने की कोशिश करी जाए, तो सच्चे इंसान को अगर तलाशने की कोशिश करी जाए, तो ऐसा कोई पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में मुझे नजर ही नहीं आ रहा है आज की गाइज इस रीडिंग के अंदर. डिप्रेशन, टेंशन, और गाइज रातों में सो नहीं पाना, आपको याद करना, और कहीं ना कहीं गाइज वही है आपसे दूर होने का. आपके पर्सन को भी दुख नज़र बहुत ज़्यादा नज़र दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे कि उनके दिमाग में बहुत सारी गाइज ऐसे सवाल हैं जिनका वो जवाब ढूंढने की बस कोशिश कर रहे हैं, कि बस वो तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है व्यूअर्स आप अपने पर्सन से गुस्सा हो, ऐसा भी गाइज हो सकता है आप अपने पर्सन से गुस्सा हो, या फिर किसी वजह से आप अपने पर्सन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो. कोई तो गाइज ऐसी बात जरूर है जो आपके पर्सन को इस समय बहुत ज्यादा दुख दे रही है. ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स. ओके, तो गाइज यहां पर मैं ये देख पा रही हूँ आपके पर्सन गाइज आपके साथ में रिश्ते सुधारना चाहते हैं, ठीक है, रिश्ते सुधारना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हर जगह इक्वल फोकस करना चाहते हैं. जितनी इंपॉर्टेंस वो अपनी फैमिली को दे रहे थे उतनी ही इंपॉर्टेंस वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है. वैसे तो यहाँ पर आप उनके लिए वैल्यूबल एक ऐसे पर्सन हो जो उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है. ओके, जो उनकी लाइफ में स्ट्रेंथ देता है, उन्हें पावर देता है, जो उन्हें हिम्मत देता है, एक ऐसे पर्सन आप यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो
जो इनकी लाइफ को गाइज कंप्लीट करता है। आपके पर्सन की गाइज लाइफ में अगेन मुझे वही नजर आ रहा है कि साथ में लोग हैं पर है होके भी नहीं है, तो ऐसे लोगों से क्या फायदा है ना उम्मीद रखने का व्यूवर्स। तो आपके पर्सन गाइज ऐसे लोगों के पास में जाके या तो पछता बहुत ज्यादा रहे हैं या इनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है तो उसके साथ में भी आपके पर्सन की ट्यूनिंग अच्छी नहीं चल रही है। और गाइज यहाँ पे यही वजह है कि आपके पर्सन का जो अट्रैक्शन है ना वो आपकी तरफ और ज्यादा बढ़ रहा है, उनको आपकी कमी और ज्यादा खल रही है ना। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं ये वो देख पा रही हूँ चीजें आपके लिए। आपके पर्सन की गाइज मुझे हेल्थ भी थोड़ी आज हेल्थ भी सही नजर नहीं आ रही है, हेल्थ अच्छी नहीं है आपके पर्सन की, हो सकता है उनको कुछ फीवर वगैरह हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके पर्सन गाइज इसी समय पे मतलब जब इंसान मतलब तबीयत ज्यादा खराब होती है ना तो ऐसे इंसानों ऐसे टाइम पे मतलब पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, मतलब कौन है जो हमारी फिक्र करता है कौन है जो हमारी केयर करता है। तो गाइज इस समय आपके पर्सन इन चीज़ों को देख रहे हैं कि यार आप हो जो इतने ज़्यादा केयर करते हो, इनके बारे में इतने ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो और इनकी फैमिली में लोग हैं जो इनके साथ में जो लोग हैं वो इनकी फिक्र ही नहीं करते केयर ही नहीं करते, तो इस समय ये चीज़ें ना आपके पर्सन को और ज़्यादा खल रही हैं है ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिटर स्वीट फीलिंग्स हैं व्यूवर्स आपके लिए, आपके पर्सन की रिकवरी की एनर्जी इस रिलेशनशिप के अंदर व्यूवर्स। एंड हाँ व्यूअर्स जरूर गाइज ये चीज़ें आपके पर्सन के लाइफ में चल रही है और गाइज यहाँ पे वेरीफाई भी हो रही है आपके पर्सन को गाइज इस रिलेशनशिप में रिकवरी करने की। गाइज यहाँ पे जैसे फीलिंग्स उनके अंदर नजर आ रही है, वो इस रिलेशनशिप में फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहते हैं और आपके साथ में गाइज अपनी जो भी मसले हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर देना चाहते हैं। उनके अंदर गाइज बहुत सारी इस समय फीलिंग्स कहते हैं ना बिटर स्वीट फीलिंग्स व्यूवर्स, कभी मतलब ये कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं खटकती भी, लेकिन गाइज उन पे हावी कौन सी व्यूवर्स बातें हो रही हैं जो धो दें, जैसे बारिश पड़ती है तो क्या होता है जो गंदगी वगैरह होती है या फिर हमारे अंदर जो कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद चल रहा होता है वो बह जाते हैं वो खो जाते हैं। तो यहाँ पे व्यूवर्स आपके पर्सन की वही एनर्जी नजर आ रही है आंखों में आंसू के साथ में कि वो पुरानी बातों को बस भुला देना चाहते हैं, बस क्या याद रखना चाहते हैं आपके प्यार भरा साथ, आपके प्यार भरे इमोशंस, आपके प्यार भरी बातें, वही आपके पर्सन को गाइज इस समय याद आ रही है ना। तो वो गाइज है कि मतलब बिटर स्वीट मतलब पुरानी जो कड़वी बातें ना उनको कहीं ना कहीं गाइज आपके पर्सन इस समय इग्नोर कर रहे हैं, उनको नहीं ध्यान दे रहे हैं उनके, बस इस समय आपको आपके पर्सन को आपके साथ की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो उनको खुश रखने की अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करी है आपने और आपके पर्सन गाइज इन्हीं चीजों को मिस कर रहे हैं, है ना व्यूअर्स। हो सकता है व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में कोई मदर इशू हो, ठीक है, मदर या कोई ऐसी फीमेल का इशू हो व्यूअर्स, या कोई ऐसे पर्सन का जो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर रखता है। और आपके पर्सन गाइज जब से आपके पर्सन को ये रियलाइज होने लगा है ना कि ये सिर्फ मेरे पास अपने ही मतलब से है, तब से आपके पर्सन गाइज ये चीजें हर्ट करने लगी है। ओके व्यूवर्स, तो व्यूवर्स आज की ये रीडिंग थी, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।